मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, ये आपके व्याकरण के पहले पार्ट का ही आगे का भाग है। तो हमने अभी भाषा के रूप पढ़ रहे थे, अब ये भाषा की परिभाषा है। भाषा क्या होती है, डेफिनेशन है उसकी। अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे जब आपको भूख लगती है तो आप मम्मी से बोलते हो कि भूख लगी है, या इशारा करते हो? नहीं ना, आप बोलते हो, ठीक है। जब आपको अपनी कोई बात है, मम्मी या हम कहीं बाहर गए हुए हैं, तो आप कैसे आपको बताना पड़ेगा ना, लिख कर बताना पड़ेगा, तो वो कैसी होगी? लिखित भाषा होगी, ठीक है। तो हमारा जो लेटर लिखना है, या हम जो इस बुक के ज़रिए से जो भी हम पढ़ रहे हैं, इस किताब के ज़रिए से अभी हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? लिखित भाषा है, ठीक है। एक छोटी सी बात आप समझिए, इसी बात से समझ लीजिए। किताब में जो लिख रहा है वो आप पढ़ने के आगे बढ़ने के लिए ही तो पढ़ रहे हो, और ये है लिखित भाषा। जो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, वो है मौखिक भाषा। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर और सुनकर समझते हैं। जैसे अमित और अलका आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये हैं दो बच्चे हैं अमित और अलका, तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये कैसे हैं? दोनों बच्चे बोलकर और सुनकर अपने मन के भाव और विचार प्रकट कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। अब भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ़ोन के ज़रिए से जैसे आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। लेकिन जो हम किताब में पढ़ रहे हैं वो क्या है? लिखित भाषा, ठीक है। तो लिखित भाषा में अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। जैसे मैं कहीं दूर गई हुई हूँ तो मैं अपने घर पे पत्र लिखूंगी, तो वो क्या हो गई? मेरी तरफ से लिखित भाषा हो गई। अब भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब है सांकेतिक भाषा होती है। बच्चों, कुछ जगह सांकेतिक भाषा भी का भी प्रयोग होता है। जैसे कि जब ट्रेन जा रही है तो ड्राइवर को संकेत दिया जाता है, रेड ये एक फ्लैग लगाता है ना, झंडी, एक गार्ड होता है, स्टेशन मास्टर गाड़ी को जब लाल झंडी दिखाता है या हरी झंडी दिखाता है तो मतलब है ट्रेन रुकेगी। लाल है तो ट्रेन जाएगी, है ना, ये नहीं रुकेगी। ये तो क्या है, होता है कि ये सांकेतिक भाषा होती है। ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी अंकल होते हैं ना, वो भी ऐसे ही बात करते हैं। और कभी कभार हम दूर से नमस्ते कर देते हैं किसी को भी, और उन्होंने आशीर्वाद का ऐसे आपको हाथ दिखा दिया, तो आप दूर से समझ जाओगे कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे, और वो भी समझ जाते हैं कि ये बच्चा मुझे दूर से नमस्ते कर रहा है। लेकिन इसमें हम कुछ बोलते नहीं है ना, सुनते हैं, लेकिन हम दूर से समझ जाते हैं कि ये संकेत हमें समझ में आ जाते हैं। ये संकेत है जो ये ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल दे रहे हैं, ये संकेत जो ड्राइवर बैठा होता है इसमें चला रहा होता है ट्रेन, उसको समझ में आ जाता है। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस अंकल भी होते हैं, वो भी हाथ से जो इशारा करते हैं तो सड़क पर वाहन चलाने वाले लोगों को पता चल जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा हर जगह प्रयोग नहीं होती है, इसलिए इसे मान्यता नहीं दी जाती है। ये कहीं कहीं प्रयोग होती है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे।